अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बजे करीब। इंजन के घोड़े खुल गए हमारी एक दूसरी गाड़ी के, क्योंकि अब्बा ने इनकी इंजन को जो है सलाम दे दिया था। दूध बनी है, दूध मिल पैक होता है ना, मिल पैक वो बन गया। ये इसकी हेड गैसकेट है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ईद का दिन है और जो है मेरी गाय की कुर्बानी हो रही है। कसाई वसाई लोग आए हैं घर पे। ये इंजन का काम कम लग रहा है, कसाई का ज़्यादा लग रहा है। इस काम के लिए मैंने आसिफ भाई को बुलाया है। ये आसिफ भाई ख़ास गुलशन से आए हैं यहाँ पे, और वो अपनी लेंसर लेकर आए हैं। वो वहाँ खड़ी हुई है लेंसर, हमारी लेंसर वहाँ खड़ी हुई है पर्दे के अंदर, क्योंकि पर्दे में रहने दो पर्दा नहीं हो रहा, आपको पता ही होगा। यहाँ से हेड जल गया है थोड़ा बहुत, तो ये वेल्डिंग वगैरह होगी। सही है, एक साइड से गैसकेट जली है, एक साइड से हेड गला है, तो पानी कम्बशन चैम्बर के अंदर आ गया था। और इनफैक्ट गाड़ी पेट्रोल और पानी के ऊपर चल रही थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि गाड़ी पानी पे चल रही थी। पाकिस्तान में ऐसी गाड़ी पहली गाड़ी जो पानी पे चल रही थी। जो रेडिएटर के अंदर हम पानी भरते थे, ये देखें ये सब गल गया है। ये पानी की वजह से ये असम्बली चेंज होगी। ये पानी पे चलती है गाड़ी ना, तो ये इसलिए पानी इसके अंदर भरा हुआ, पानी पे चलती है। चाहिए, हमने क्लच प्लेट निकाली है अभी। आसिफ भाई कह रहे हैं ये बिल्कुल खराब है। बिल्कुल सही निकली है। अभी आसिफ भाई बोल रहे थे कि मैं ज़बरदस्ती चेंज कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ख़राब सही निकली है, ख़राब है। जबकि ये गाय का सर रखा है हमने अभी। सही है, ये खून निकल रहा है गाय के सर पे से। जाती है। अच्छा देखें भाई, ये दूध निकल रहा है, खालिश दूध, 200 रुपये किलो, पी लें उसको। ये तेल पानी मिक्स हुआ हुआ, इसलिए ये ऐसा सफ़ेद सफ़ेद ऑयल निकल रहा है। वैसे ये ऑयल है, देखें कैसा निकल रहा है दबा दब। दूध वाला भी इतना खालिश दूध नहीं बेचता वो, जितना अभी मैं निकाल रहा हूँ उसमें। अच्छा भाई, ये एक पिस्टन निकला, देखें वाला। अच्छा ये अभी क्रंच ऑफ निकाली है, कुछ ऐसी हालत है इसकी। अच्छा भाई, ये सामान उठा रहे हैं, अपनी लेंसर के अंदर रखने जा रहे हैं ये, क्योंकि ये सामान जो है वो लेत वाले के पास लेके जाना होगा, तो इसको मैं लेके जाऊंगा। ये डिग्गी में डबल सामान डाल रहे हैं, तो सारा सामान गाड़ी में डाल दिया तकरीबन हमने। ये देखें हमारा ये ब्लॉक आ गया है यहाँ पे, ये हेड आ गया है, क्रैंक, पिस्टन। ये हमारे अब्बा ने जिन्होंने गाड़ी की वाट मारी थी, घूम रहे हैं अब। ये आसिफ भाई इतनी सख्त गर्मी में जो है चाय पी रहा है। आसिफ भाई अपनी दुकान पर जा रहे हैं। ठीक है, सही है, अल्लाह हाफिज़। बाकी ये सामान जो उतरा था देखें, क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट, ये सब चीज़ें, वाटर बॉडी, ऑयल पैन वगैरह, हेड का ये इंटेक मैनिफोल्ड है, ये सब यहाँ हमने एक कमरे के अंदर दरी बिछा के रख दिया सामान सारा, क्योंकि यहीं असेंबलिंग वगैरह भी होगी वापसी। अभी हम लोग जा रहे हैं लेत वाले के पास। इस वक्त मौजूद हूँ सदर गुल राजा के पास, सामने तिब्बत सेंटर है मेरे पीछे की तरफ। और अभी हम लोग यहाँ पे, हमें पता चला है कि इंजन का जो हेड है वो गल गया है, तो हमें दूसरा हेड देना पड़ेगा। तो काबली हेड देने के लिए हम लोग यहाँ मैगजीन लाइन पर आए हैं। और अभी फिलहाल मुझे भूख लग रही थी, मेरा मैकेनिक यहाँ पहुँचते ही होगा, तो मैंने कहा टाइम पास कर ले। और यहाँ पे चाट वाली गली पे मैं खड़ा हूँ, बहुत मशहूर चाट वाले हैं, मैंने सोचा थोड़ी चाट वाट खा ले, यहाँ पर चाट खा और मेरी चाट तैयार हो। तो ये एक इंजन हमें मिला है, इंजन का हेड है, ये पुराना है, कुछ बेहतर कंडीशन है। 11 बजे पूरा इंजन खोल। अच्छा ये हमने हेड ले लिया, बाइक पे लेके जा रहे हैं। अच्छा हेड हमने परचेज किया है, ये मैगजीन लाइन के अंदर ये शॉप है, ये मौलाना साहब होते हैं टोपी वाले, इनसे हेड परचेज किया अभी हमने। 30,000 रुपये का, 30,000 बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हमने हेड पहली दफ़ा ख़रीदा है, कभी हेड ख़रीदा नहीं है, तो शायद इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन लोग बता रहे हैं कि हेड के रेट्स इतने ही होते हैं, इसलिए अभी ख़रीद लिया है। अच्छा ये लिस्ट प्रोवाइड करी है मुझे लेत वाले ने, और इसी सिलसिले में मैं आया हूँ मंसूर ऑटोमोबाइल्स के अंदर, हम लोग जा रहे हैं अभी। और यहाँ हमें पहचान गए, कैसे हैं? अभी मैं मंसूर ऑटोमोबाइल्स पे हूँ, ये सदर में होते हैं। सही है, ये मैं व्लॉग कवर कर रहा हूँ तुम्हारे घर से, तो आपको ये इनके पास लेंसर के और बाकी गाड़ियों के पार्ट्स मिलते हैं, लेंसर के काफ़ी सारे पार्ट्स इनसे लिए। और जो फैसलाबाद वाले मंसूर ऑटोज हैं वो ये आपस में रिलेटिव हैं, कज़न वगैरह हैं, ये ऐसे हैं। तो
तो अभी मैं इनसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि ये जो मुझे पार्ट्स की लिस्ट दी गई है ये इनके पास अवेलेबल है या नहीं है, या मुझे कहाँ जाना पड़ेगा इसके बाद। अच्छा, मुझे अभी अभी पता चला है कि ये सिर्फ मित्सुबिशी के पार्ट्स में डील करते हैं, इसलिए इनके पास जो है वो टोयोटा के पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन इनके रेफरेंस पे जो है मैं किसी और शॉप पे जा रहा हूँ और ये मुझे अभी लेके जा रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिम्पल प्लाजा की जो सामने वाली मार्केट है प्लाजा के अंदर, और मैंने गाड़ी का काफ़ी सारा सामान ले लिया, इंजन ऑयल ऑल इन का जिसमें इंक्लूडेड है, पिस्टन वगैरह, वॉल सीले हैं, सब चीज़ें शामिल हैं। थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दिखा देता हूँ। अच्छा, ये सामान लिया, देखें भाई, ये जापानी पिस्टन है, ये मेन बिगिन है, ऑयल पम्प ओवरऑल किट है, ये टाइमिंग बेल्ट, और ये सिलिकॉन है, ये हेड गैस्केट ओवरऑल किट है। ये भाई हैं, इन लोगों से हमने सामान लिया, सही है, सोहेल भाई हैं, ये टोयोटा के जो हैं, टोयोटा के पार्ट्स के बहुत बड़े डीलर हैं और बहुत अच्छे रेट्स में और मुनासिब रेट्स में इन्होंने मुझे पार्ट दिए हैं, तो इसलिए मैंने इनसे सारा सामान ही ले लिया है। ये कुछ इनकी शॉप के मना दे रहे हैं, हर जगह पार्ट्स ही पार्ट्स लगे हुए हैं। SBM वाले हैं, इनकी शॉप का नाम है SBM। हम अगेन मंसूर ऑटो वापस आए हैं, ये मेरे साथ खालिद भाई बैठे हुए हैं। खालिद भाई ने बोला भाई कि हमारे यहाँ शाम की चाय जो है जिस तरह वो लाहौर में पी थी उन्होंने शाम की चाय, हम यहाँ कराची में मंसूर ऑटोज पे शाम की चाय पी रहे हैं खालिद भाई की हॉस्पिटैलिटी के अंदर। अभी हमने सामान खरीद लिया और इनको दिखाने ही लेकर आए थे। ये भी क्लच प्लेट वगैरह भी ले लिए, सारा सामान है, ये अभी घर की तरफ जा रहा है। अच्छा यार, मैं घर आ गया हूँ, सही है, तो सामान मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ, अभी सामान निकाल के थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या सामान लेकर आया हूँ। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ एक छोटा सा। अच्छा, ये हेड है, नया वाला है मेरे ख्याल, लेके नया वाला पुराना है मेरे ख्याल, इंजन के सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं, ये रख दिया भाई। अब ये पुराना वाला हेड है, ये भी लेके जा रहा है, सही है भाई, ये भी आ गया, दोनों हेड आ गए। अच्छा, मैं ये सामान लेकर आया हूँ कुछ, ये पानी का पाइप हमारा गल गया था तो ये दूसरा हमने काबली खरीदा है, ठीक है, ये वही लाइनों की जो है इंजन की साइड पे लगता है ये हेड के पास, तो ये वही लाइनें एक से निकल के दूसरे में जाती हैं, इस तरीके से ये है। ये भी काबली हमें अच्छा ही पीस मिल गया, देखें गला हुआ कहीं से जंग आलूद नहीं है ये। लास्टली वाटर बॉडी है, ये भी पुरानी है और ये भी बहुत अच्छा फ्रेश पीस मिला है, एशियन जापानी वाटर बॉडी है, देखें बिल्कुल साफ सुथरी है ये, बिल्कुल बेहतरीन। ये हमने काबली टेपर्ड कवर ख़रीदा है, ये देखें ये भी अच्छा पीस मिल गया एक, इसमें ओरिजिनल गैस्केट भी लगी हुई ऊपर। हमारे इंजन के बोल्ट काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और कुछ तो एक आध टूट भी गया था बोल्ट, इंजन का जो हेड का बोल्ट कहलाता है जो ब्लॉक में लगता है, तो ये कुछ हमने दूसरे बोल्ट खरीदे हैं जिनसे हेड लिया है उन्हीं से ये हमने बोल्ट वगैरह भी लिए हैं, इनको साफ सूफ करके हम जो है लगा देंगे। अच्छा, ये एक चीज़ और रह गई थी, ये भाई क्या है, पुराना टाइमिंग कवर है ये, मतलब हमने काबली ख़रीदा यूज़ में, इसको ज़रा पेट्रोल से साफ़ करके वापस लगाएंगे तो एकदम चमक जाएगा, देखें ये। अच्छा गाइस, ये कुछ पोजीशन दिखा दूं मैं लास्टली, इंजन हमारा तो गया हुआ है और ये कुछ पोजीशन है अंदर का, कबाड़ हुआ हुआ है हमारी गाड़ी का, सही है। रमशा बोल रही थी कि मुझे अंदर से देखना है क्या हुआ है, आओ रमशा जल्दी आओ, रमशा देखने आ रही है बगी अपने ससुर की, ससुर जी की गाड़ी, मेरी मेरी गाड़ी, सामान कहाँ गया सारा? सामान कौन सा सामान? और ये क्या पड़ा हुआ तख्ते वख्ते? ये तुम्हारे ससुर ने ना थोड़ी इंजीनियरिंग लड़ाई है, सामान कहाँ गया क्या देख रहे हैं हमेशा, वो सामान ना इंजन में चोरी हो गया, पता है इंजन ना चोरी हो गया। हाँ, ये अब सिर्फ ना हम इसके ऊपर तुम्हें मैं बिठाऊंगा और गाड़ी चल पड़ेगी, सही है, तो गाड़ी मुझे दे देना पापा, अभी दे रहा, अभी दे रहा तेरे को, मुझे देने बनवा के, बुखार ना तुम्हें, मेरे ससुर मुझे दे रहे, तुम्हें क्या देखा आपने तेवर चेक किए तेवर? तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ वीलॉग इसका पार्ट वन ऑफ इंजन रीबिल्डिंग टोयोटा करोला। तो उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा मेरा, अगर ये वीलॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और पार्ट टू देखना ना भूलें।